हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग 99 पोर्टल पर है। 9 नंबर मार्स का नंबर है। सोसाइटी में आपके नेम, फेम, इम्प्रेशन, डिग्निटी को बताता है। ये रीडिंग आपके लिए तब ज़्यादा यूज़फुल होगी जब आप सोशल लेवल पर किसी तरह के डिग्निटी रिलेटेड मामले को लेकर हैरास्ड चल रहे हैं। चाहे ये मामला आपका आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड है या फिर आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ से रिलेटेड है, तो सोसाइटी वाइज जो भी इश्यूज हैं उससे रिलेवेंट ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। साथ साथ 9 नंबर विशेज फुलफिलमेंट का भी है, तो वहीं किसी तरह की बैड और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के एंडिंग का भी है। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं 99 पोर्टल पर आपके लिए लव लाइफ, मैरिटल लाइफ या करियर वाइज किस तरह की न्यूज़ आने वाली है। जो भी आपकी लाइफ में मेजर इशू चल रहा है जिस वजह से आप सोशल लेवल पर बहुत ज़्यादा केयरफुल इस वक्त होकर चल रहे हैं, उस मेजर इशू को अपने माइंड में रखते हुए इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। इस रीडिंग से देखते हैं क्या कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस एंड होने वाली हैं। सोशल लेवल पर आपको किसी तरह का एप्रिशिएशन मिलने वाला है। द हैंग्ड मैन है बॉटम ऑफ द डेक में, सो डू नॉट गेट वरीड। बिल्कुल वरीड नहीं होना है। जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है इस वक्त थोड़ा टाइम ले सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप सोशल लेवल पर बहुत ज़्यादा हरास्ड फील करने वाले हैं। एट प्रेजेंट आप 5 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, इट लुक्स लाइक रीसेंट पास्ट ऑलरेडी 3 to 4 months, 5 months से वेट कर रहे हैं लव लाइफ को लेकर के किसी इम्प्रूवमेंट का। एक गुड न्यूज़ जो होनी चाहिए आपकी लाइफ में उसका वेट कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ कॉइंस और 5 ऑफ कप्स हैं जो बता रहे हैं कि जो भी गुड न्यूज़ आप चाहते हैं वो अभी तक आपकी ओर आई नहीं है। 5 ऑफ कॉइंस से पता लगता है जिस भी पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन का आप वेट कर रहे हैं उसको लेकर के काफ़ी हद तक आप टायर्ड भी हो चुके हैं, थक चुके हैं, एक्सपेक्टेंट नहीं रहे हैं। 5 ऑफ कप्स है तो अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, बट बॉटम ऑफ द डेक में द हैंग्ड मैन है। इट मींस आप रिलैक्स्ड वे में इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स भी आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप में से ज़्यादातर लोग अपने हस्बैंड, वाइफ, लवर या बिलविड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, और आप दोनों के बीच जो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं, उसको लेकर के आप हैंग्ड हैं। 6 ऑफ कॉइंस है आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर। 6 ऑफ कॉइंस आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर में आया है। इट मींस ये जो समय चल रहा है आपका, ये चल रहा है बैलेंसिंग का, इक्वल गिव एंड टेक वाला समय चल रहा है। जितने एफर्ट्स आपने किए हैं, जितने इमोशंस रखे हैं मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में, उसके रिवर्ट का समय चल रहा है। दिस इज़ लाइक यूनिवर्सली एक इंटरवेंशन आपकी लाइफ में चल रहा है, जिसके चलते गुड और बैड एक्ट को मेजरमेंट किया जा रहा है। लेट सी आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या है। द हाई प्रीस्टेस आपके लिए एज एन ऑब्स्टेकल आई है। इट मींस आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में कुछ डार्क शेडोज हैं। डार्क शेडोज हैं, इट मींस सीक्रेटिव बिहेवियर एक पर्सन की ओर से है। साथ साथ द हाई प्रीस्टेस इंट्यूशंस की पार्स को बताती हैं। इट मींस आप दोनों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हैं, बट वहीं दूसरे पर्सन को जो पॉजिटिव वाइब्स आपकी रिसीव होने चाहिए, इंस्टिंक्ट जो दिल से मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। कन्फ्यूज़न बना हुआ है। 4 ऑफ सॉर्ड्स और रिलेशनशिप ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है। हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है आपको चल रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर।
नाउ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी है। रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे से कुछ क्लैरिटी पाना चाहते हैं, बट वो क्लैरिटी मिल नहीं रही है, इस वजह से कन्फ्यूज़न है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है एज अ फाइनल आउटकम, व्हील ऑफ फॉर्चून है, इट मीन्स थिंग्स विल टेक टाइम, चीज़ों में टाइम लगने वाला है, बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके डिस्टेंट फ्यूचर में आ रहा है, इट्स गुड। इट मीन्स ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये हार्डशिप का रहने वाला है, बट यहाँ से फिर आपका समय सडनली चेंज होने वाला है, एनर्जीज शिफ्टिंग होने वाली हैं। टाइम पीरियड इसमें आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ गोइंग टू टेक लॉन्ग, अभी लॉन्ग टाइम लगने वाला है, दिस कैन बी अबाउट 5 to 7 months, 5 to 7 months भी लग सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 है, समटाइम्स इट्स अप टू 10 months, बट ऑलरेडी अगर आप लॉन्ग टाइम पीरियड से डिस्टर्बेंसेज में चल रहे हैं तो भी इट्स लाइक द हाई प्रीस्टेस यहाँ एज एन ऑब्स्टेकल आई है। जैसे ही इंट्यूटिव पार्ट्स आपकी ठीक होने लगती हैं, बैलेंस्ड होने लगती हैं, यहाँ ब्लैक और वाइट दो तरह के पिलर्स हैं, जैसे ही आपकी इंट्यूटिव पार्ट्स बैलेंस्ड होने लगती हैं, दिल और दिमाग की बातें, जैसे ही आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक न्यूट्रल वे में ले आते हैं और चीज़ों को एक क्लैरिटी के साथ देखने लग जाते हैं और अपनी लाइफ को जैसे ही फॉरवर्ड करते हैं, उतना ही जल्दी ये इम्प्रूवमेंट आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून द मैजिशियन भी हैं जस्ट व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद। करियर वाइज आपका अपना जो फेवरेट जॉब है या बिजनेस है, उसमें हो सकता है आपके फिलहाल फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स चल रहे हैं, बट यहाँ भी सिक्स ऑफ कॉइंस चल रहा है, इट मीन्स इक्वल गिव एंड टेक का दौर ये चल रहा है, तो श्योरली थिंग्स विल बी फाइन एवरी वे। टू ऑफ कप्स है आपके लिए, नाइस। ऑलराइट, तो यही देखा जा सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में एट प्रेजेंट द हाई प्रीस्टेस एज एन ऑब्स्टेकल आई है, इट मींस जो पॉजिटिव वाइब्स होने चाहिए एक दूसरे के लिए, वो किसी एक पर्सन को नहीं मिल रहे हैं, बट यहाँ द हैंगमैन है, तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि थिंग्स आर गोइंग टू टेक टाइम, थोड़ा समय लगने वाला है, बिकॉज आप दोनों में से एक पर्सन प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। एक्टिव होंगे तो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू जो है दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक्चुअली इस तरह का है, इस तरह से नहीं है। ऑलराइट, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है। नाउ लेट्स क्वालिफाई सर्टेन थिंग्स, कुछ बातों को क्वालिफाई करते हैं। फाइव ऑफ कप्स बताता है जो आप चाहते हैं अभी उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, बिकॉज आप और आपके पर्सन दोनों ही कन्फ्यूज्ड हैं, रिलेशनशिप सरेंडर भी किया हुआ है, बट डिस्टेंट फ्यूचर में थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो लेट्स सी, ये जो आपका फेज चल रहा है एट प्रेजेंट, टू ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट डज दिस मीन, क्या बताना चाहते हैं आपको। एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहां पर। द इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट, ऐसा लगता है कि ये एक तरह का इल्यूजन है और आपने अपने आप को खुद ही ट्रैप किया हुआ है इस सेल में, आइदर आपके पर्सन ने। अ लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, दैट मेक्स यू फील हेल्पलेस, और इस वजह से आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। बींग अफ्रेड टू टेक एक्शन, एक्शन लेने में भी आपको डर लग रहा है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ, तो ये हाई टाइम है जब आपको अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना है, जब आपको पता है कि आपका ही ये इल्यूजन है, तो फिर आपको इससे बाहर निकल जाना है। क्लियर माइंडसेट, द हाई प्रीस्टेस बता रही है, क्लियर माइंडसेट से जैसे ही सोचना आप स्टार्ट करेंगे, ये सब चीज़ें आपके फेवर में होती जाएंगी। लेट्स सी फाइनल जो आउटकम है व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हाट विल दिस ब्रिंग टू यू, क्या लेकर आने वाला है व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए। पेज ऑफ वाटर है यहाँ पर,
एस ऑफ वाटर, अ ब्यूटिफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, अ रोमेंटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट्स। देखिए ये साइकिक एबिलिटीज इस वक्त एज एन ऑब्स्टेकल आई हैं, विल ऑफ फॉर्चून बता रहे हैं, साइकिक एबिलिटीज भी ग्रो अप होंगी, स्पिरिचुअल इंसाइट्स भी मिलने लगेंगे, अ लव लेटर और अ न्यू होम। तो आप एक नया घर चाहते हैं या अपनी लाइफ में एक लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो ये वैसा होने वाला है। लेट्स सी, ये जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, क्या ये आपकी इसी पर्सन के साथ होने वाली है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, और इज दिस समवन न्यू, या ये कोई न्यू पर्सन है? सिक्स ऑफ वेंड्स है यहाँ पर, पेज ऑफ वेंड्स के साथ है, थ्री ऑफ कप्स के साथ है। थ्री ऑफ कप्स रिकॉन्सिलिएशन को दिखाता है, पेज ऑफ वेंड्स बताता है द पर्सन यू आर स्टक ऑन, जिस पर्सन को लेकर आपने अभी तक होल्ड ऑन किया हुआ है, सेम पर्सन के साथ आपकी रिकॉन्सिलिएशन होगा, बट थिंग्स आर गोइंग टू टेक लॉन्ग, इसमें समय लगने वाला है, बिकॉज अभी साइकिक एबिलिटीज जो हैं ये एज एन ऑब्स्टेकल ही आई हैं। ऑलराइट, आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पर, लेट्स सी उनकी एनर्जीज कैसी हैं आपको लेकर। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं। नेम इनिशियल्स EHNX DMT BKR AIJQY ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, CGLSP। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं आपको लेकर इन दिनों। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन है यहाँ पर, इट्स लाइक आपके जो पर्सन हैं उन्हें क्लैरिटी मिलने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, एज पर द रीडिंग थोड़ा टाइम लगने वाला है, बट आपके पर्सन बाय एंड बाय क्लियर होते जा रहे हैं, और जो एक साइकिक एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूशंस हैं आपको लेकर के, उसको रिसीव होने में इट्स गोइंग टू टेक लॉन्ग, थोड़ा समय लगने वाला है। सो यू नीड नॉट वरी, आपको वरी नहीं करना है। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन आए हैं, आर्कएंजल का आना ही काफ़ी है, और वो भी इस वे में, इट मीन्स फोर नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, स्टेबल कनेक्शन होगा आपका इन फ्यूचर। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस फॉर यू, ये गाइडेंस इंडिविजुअली आपके लिए है, आप एक क्वेश्चन भी अपना माइंड में रख सकते हैं एंजल्स से आंसर लेने के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, इट मींस कॉम्प्रोमाइज। ऑलराइट, लेट्स टेक ओनली दीज टू कार्ड्स। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए जब भी आपके पर्सन आपसे करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर, तो इन सम केसेस आपको अभी कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, और जब आप ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर व्हील ऑफ फॉर्चून है, इट मींस थिंग्स विल बी बेटर विथ यू। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।